गाजियाबाद नगर निगम में अधिकारियों की नाक के नीचे एक क्लर्क फर्जीवाड़ा करता रहा और अधिकारियों को भनक तक नहीं लगी। निगम का क्लर्क फारूख अली खान जो नौकरी के साथ साथ बिना छुट्टी के दो डिग्रियां भी हासिल कर चुका है, 5 साल तक रेगुलर पढ़ाई भी करता रहा और नौकरी भी, सुनकर ये बड़ा अचंभा लगता है। लेकिन इस क्लर्क के पास डिग्रियों के दस्तावेज तो यही कहते हैं। निगम के रिकॉर्ड और कॉलेज के हाजिर रजिस्टर दोनों में ही फारूक एक ही वक्त में दोनों जगह मौजूद दिखाई दिया। फारूक नगर निगम के संपत्ति विभाग में विधि प्रकोष्ठ में है और कानूनी मामले देखता है। उसे नौकरी पिता की मौत के बाद मिली। फारूक ने साल 2007 से 2012 तक लगातार रेगुलर कोर्स की पढ़ाई की, मेरठ कॉलेज में LLB और LLM की डिग्री हासिल की है, वो भी बिना नौकरी में छुट्टी दिखाए। इस मामले में शासन ने जांच के आदेश दिए हैं। दृष्टि में तो ये मामला बहुत गंभीर मामला लगता और इस बारे में शासन से भी एक पत्र आया हुआ है निगम में और काफ़ी बड़ी अनियमितता लगती है, जैसे किसी ने इस पर ध्यान दिया। अब मेरे संज्ञान में ये मामला आया है और मैं इसकी तह तक जाकर और गंभीरता से जांच कराऊंगा। तो एक वक्त में दोनों जगह मौजूदगी, दोनों जगह उपस्थिति दर्ज है, बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा। 2007 से लेकर 2012 यानी 5 साल ये लगातार हेरफेर होता रहा, लेकिन किसी को पता नहीं चला। ये भी एक बड़ी बात है, बिना छुट्टी लिए रेगुलर पढ़ाई हो कैसे गई? नौकरी के साथ पढ़ाई होना, वो भी रेगुलर, एक बहुत बड़ा सवाल है। नौकरी में भी आपकी उपस्थिति लगातार दर्ज है और अगर बात की जाए पढ़ाई की तो आपने रेगुलर पढ़ाई की, कॉलेज में भी आपकी अटेंडेंस पूरी है। तो यहां पे सबसे बड़ा सवाल ये कि नौकरी में रहते हुए लगातार आप रेगुलर पढ़ाई कैसे कर सकते हैं? और ये एक या दो महीने की बात नहीं थी, ये 2007 से लेकर 2012 तक की बात है, यानी 5 साल का घाल मेल। और सबसे बड़ा सवाल ये कि किसी को इस बात की जानकारी भी नहीं लगी। एक वक्त में दोनों जगह मौजूद रहा ये क्लर्क, यहाँ पे विधि विभाग ही देखता है नगर निगम में, और नगर निगम में नौकरी के साथ साथ ये लगातार पढ़ाई भी करता रहा। मेरठ के कॉलेज से पहले LLB की, फिर LLM किया और रेगुलर की ये दोनों ही पढ़ाई। और आपको ये बता दें कि नगर निगम में भी ये लगातार आता रहा, जो रजिस्टर में उपस्थिति बताती है उसके हिसाब से। तो बिना छुट्टी लिए ये रेगुलर पढ़ाई कैसे हुई, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि अभी हमने मेयर साहब को सुना, उनका कहना था कि वाकई शासन से भी एक आदेश आया, बहुत गंभीर मामला है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तो फारूक अली खान नाम है इन साहब का, तस्वीर हम उनके कैबिन की दिखा रहे थे अभी आपको। और इस धोखाधड़ी के बाद, इस घालमेल के बाद अब कई सवाल खड़े होने लगे हैं उन अधिकारियों पे भी जो इनके ऊपर है। और इस वक्त हमारे साथ गाजियाबाद के मेयर आशु वर्मा जुड़ रहे हैं। आशु जी, स्वागत है आपका समाचार प्लस में। सबसे पहले यही, ये इतना बड़ा घालमेल आखिर हो कैसे गया? चलो, मेरे तो अभी संज्ञान में आया है एक दो दिन पहले ही जी, कि एक कर्मचारी जो यहाँ पंखा ले रहा है वो 4-5 साल तक कहीं रेगुलर पढ़ नहीं रहा है जी, और कुछ लेकिन आशु जी, नगर निगम गाजियाबाद का वहाँ पे किस तरह के हालात होते हैं आप अच्छे से समझते हैं। इससे पहले भी कई तरह की खबरें आती रही हैं, वहाँ पे लगातार उपस्थिति होना और कॉलेज में भी लगातार जाना, हालांकि गाजियाबाद के कॉलेज हो चाहे मेरठ के कॉलेज हो, वहाँ पे किस तरह लोग जाके पढ़ाई करते हैं ये भी कोई नई बात नहीं, लेकिन फिर भी अगर दोनों ही जगह उपस्थिति दिखाई दे एक ही टाइम पे, तो सवाल सबसे पहले आपके विभाग की ओर उठता है सर। जी आशु वर्मा जी, बहुत शुक्रिया समाचार प्लस से बात करने के लिए। आपकी आवाज बेहतर ढंग से मुझ तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन फिर भी जो लगातार कह रहे हैं मेयर साहब कि अब मामला संज्ञान में आया और जांच की जाएगी। गाजियाबाद से मेरे सहयोगी बदिजुमा जुड़ रहे हैं। बदिजुमा, सबसे पहला सवाल यह है कि नगर निगम में आखिर किसी भी अधिकारी को इस बड़े घालमेल के बारे में कैसे पता नहीं चला, या दूसरा पहलू यह कि उन्हीं की जानकारी में सब कुछ किया जा रहा था? देखिए, नगर निगम जो है वो स्कैम का अड्डा है, छोटे मोटे स्कैम यहाँ आए दिन होते रहते हैं, कभी कभी जो है BOT को लेकर के, कभी ठेकेदारी पर काम किए जाने को लेकर के, कभी किसी चीज का ठेका किसी को अलॉट कर, गलत तरीके से अलॉट कर देने को लेकर के, तमाम तरीके के स्कैम यहाँ होते रहे। लेकिन जो फिलहाल जो ताजा मामला है वो एक कर्मचारी से जुड़ा हुआ है जिसका नाम फारूक अली और वो कलेक्टर पोस्ट पर यहाँ पर है। सवाल ये है कि इसमें LLB और LLM की
बाकायदा रेगुलर कोर्स किया है। रेगुलर कोर्स करने का मतलब ये कि क्लासेस ली हैं इसने ऐसा मेरठ के मेरठ कॉलेज से, तो वहां पर भी इसकी उपस्थिति है और उसी दौरान इसकी उपस्थिति बाकायदा यहां अपने विभाग में भी है। ये कैसे संभव हो सकता है कि एक ही टाइम में, एक ही दिन में, एक ही पीरियड में कोई दो जगह उपस्थित रहे। दूसरी बात ये है कि लीव के लिए एक साल की छुट्टी मिलती है सरकारी कर्मचारियों को, इस एक साल की छुट्टी को लेकर के वो पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन उस दौरान भी उनको पूरी तनख्वाह नहीं मिलती, कुछ भत्ते जरूर मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ये कर्मचारी है फारूख अली, इसका इन 5 साल में पूरी तनख्वाह ली है और इसके अलावा उसने वहां से डिग्रियां भी हासिल की है। जाहिर सी बात है यहाँ पे इसकी डिग्री फर्जी तरीके से वहां ली गई है, वहां अटेंडेंस नहीं है, उसके बावजूद वहां सेटिंग करके डिग्री हासिल की गई है, या फिर ये यहाँ पर सेटिंग करके यहाँ से गैर हाजिर रहा है। बड़ा सवाल यही है कि इतना बड़ा जो स्कैम है वो आखिर इन अधिकारियों की निगाह में कैसे नहीं आया, और जबकि एक शिकायतकर्ता है इसमें मोहित त्यागी, इसमें शिकायत भी लगाई थी, उसके बावजूद इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब अच्छा बहुत संक्षेप में बताइएगा, अगर कार्रवाई होती है तो कार्रवाई क्या होगी, क्या नौकरी से बर्खास्त होंगे या सैलरी भी रिकवर होगी? आपके पास लौटूंगा। मेयर एक बार फिर से जुड़ रहे हैं आशु वर्मा हमारे साथ। आशु जी स्वागत आपका एक बार फिर से। मैं आपसे असल में यही जानना चाह रहा था सर, अगर अब कार्रवाई होती है तो वो कार्रवाई होगी क्या, क्या सस्पेंड किया जाएगा या फिर जो अभी तक सैलरी दी गई इन 5 सालों में वो रिकवरी भी होगी? देखिए जो भी विधि सम्मत उनके विरुद्ध दंड की कार्रवाई होगी वो भी करेंगे, और कोई जो हमें आर्थिक हानि पहुंचाई गई होगी उसकी भी रिकवरी कराएंगे। लेकिन आशु जी ये सेटिंग हुई कहाँ पे, नगर निगम में सेटिंग हुई है या कॉलेज में सेटिंग हुई है? अगर कॉलेज में सेटिंग हुई है और नगर निगम में वो लगातार आते रहे, क्या तब भी इसी तरह की कार्रवाई होगी? अब कॉलेज में सेटिंग हुई होगी तो वो दोषी रहेंगे पूरे, उन्होंने पूरा अटेंडेंस का रजिस्टर पेश किया है। हाँ हाँ, और यहाँ भी अटेंडेंस का रजिस्टर पेश हुआ है, तो जांच के बाद पता लगेगा कि किस एंड पर ये धोखाधड़ी हुई है। लेकिन आशु जी नगर निगम को एक कहा जाता है स्कैम का डाया, बहुत अच्छे से समझते गाजियाबाद की राजनीति को वैसे भी, यहाँ पे इस तरह के स्कैम, इस तरह के घोटाले इतनी आसानी से कैसे हो जाते, कोई मॉनिटरिंग सिस्टम इस तरह का इजाद क्यों नहीं किया जाता जिससे वाकई नकेल कसी जा सके? देखिए अब इसी की बात लगे हुए हैं कि इस तरह की कभी घटना भविष्य में ना हो सके, और ये हमारे निगम के लिए भी अच्छा नहीं है जी। लेकिन इस पूरे मामले को अब आपकी देखरेख में आगे फॉलो किया जाएगा, और ये जो असल में दिक्कत कहाँ पे है, ये कमी रही कहाँ, ये इसका खुलासा बहुत जल्द होने जा रहा है, मैं ये उम्मीद करूँ सर आपसे। आप निश्चित रहिएगा, खुलासा भी करेंगे और जो लोग दोषी होंगे उनके विरुद्ध भी कार्रवाई करेंगे, और जो आर्थिक हानि हमें हुई होगी उसकी रिकवरी भी करेंगे। पर लेकिन सर आपको नहीं लगता कि कार्रवाई असल में उस मायनों में हो नहीं पाती कि जिससे इस तरह के लोग आगे कोई हिमाकत ना कर पाए, वो संदेश सही ढंग से जाता नहीं है असल में? इस बार आप देखिएगा संदेश देंगे। चलिए बहुत शुक्रिया आशु जी समाचार प्लस से बात करने के लिए। तो गाजियाबाद के मेयर आशु वर्मा ये बताते हुए कि कार्रवाई होगी, मामला अब संज्ञान में आ गया और इस बार पिछले की तरह किसी तरह की कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। तो आशु वर्मा कह रहे थे कि ये जो बाजीगरी की गई है अटेंडेंस की, इसको पूरी तरीके से देखा जाएगा, गाजियाबाद के मेयर हैं, और अब इस तरह की दोबारा से कोई हिमाकत कोई अधिकारी या फिर कर्मचारी नहीं कर पाएगा। बदिजुमा मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हैं। बदिजुमा यही मैं जानने की कोशिश कर रहा था कि अगर सेटिंग का खुलासा कॉलेज से होता है तो फिर किस तरह की कार्रवाई होगी? देखिए इसमें सेटिंग का खुलासा चाहे कॉलेज की तरफ से हो या फिर नगर निगम की तरफ से हो, जो मेन रिस्पॉन्सिबल आदमी है वो खुद ये स्वयं लिपिक है, क्योंकि इसकी मर्जी के बगैर तो न वहां पर हो सकता है और न यहाँ पर हो सकता है। दूसरी बात यह है कि जब ये शिकायत पहले से की जा रही थी तब भी अधिकारियों ने अपने लेवल पे कोई कार्रवाई नहीं की, अब चूंकि ये मामला शासन स्तर पर पहुंच गया है और सीधे शासन की तरफ से जो है उप सचिव है श्रवण कुमार सिंह, उन्होंने बाकायदा ये निर्देश दिया है नगर आयुक्त को कि ये बड़ा गंभीर मामला है और इसमें जांच की जाए, तब जाकर के कहीं नगर निगम शासन है उसकी आंखें खुली है। सवाल ये है कि ये मामला इनकी दौलत में पहले से भी था, 8 महीने से ये मामला चल रहा है लेकिन अंदर अंदर चल रहा था, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई लिपिक के खिलाफ, आखिर ऐसा क्यों किया गया, क्या मजबूरियां है? अभी सब कुछ जांच पे टिका है, जांच के बाद जिस तरह के तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए।